on the occasion of 97th birthday, mashallah, of veteran legendary actor Honorable Dilip Sahab. A musical journey of Shahenshah Jazbaat Dilip Kumar is being done by Falisha. Falisha at Shanmukhanand Hall. Well, I'm delighted. I'm really delighted. Portrait of Honorable Dilip Kumar Sahab. Here we are. मुझे एक अजीब वाकया याद आता है और मैं बयान करना चाह रही हूँ. Shanmukhanand Hall. और आप वे बैक चाहिए, यू नो समथिंग लाइक 45 साल या उससे भी ज्यादा. और एक नई नवेली हीरोइन यानी कि सायरा बानो वहाँ ऑडियंस में बैठी हुई मेरी वालदा के साथ, नसीम बानो जी, परिचेहरा नसीम बानो जी. और ओकेजन कुछ बहुत बड़ा सा था जहाँ हमको इनवाइट किया गया था. और एक एक बड़े बड़े स्टार्स माशाल्लाह सब स्टेज पे बुलाए जा रहे थे. बेबी तबस्सुम वो स्टेज पे गई, फिर वहीदा रहमान साहिबा बहुत बड़ी स्टार माशाल्लाह उनको बुलाया तो वो गई स्टेज पे जो एंकर बुलाते जा रहा था. और फिर शहनशाह जज्बात दिलीप साहब को बुलाया गया, दिलीप कुमार साहब. सबको फूल माला सब पहनाई गई माशाल्लाह. अब हम न्यूकमर्स जो है हम ऑडियंस में बैठे हुए नीचे, मैं अपनी वालदा के साथ जैसे कि मैंने कहा. तो एंकर बेचारा जो है उसको शायद किसी ने कहा वहाँ स्टेज पे कि इनको बुलाइए ऊपर. अब वो एंकर बेचारा गड़बड़ आ रहा है, उसको नाम ही नहीं पता मेरा. और नाम भी कैसे पता हो उसको, कैसे पता हो, क्योंकि मेरी तो एंट्री हुई नहीं थी, शूटिंग हो रही थी जंगली में. तो बेचारा गड़बड़ा के इधर उधर देखने लगा जो एंकर था. बेबी तबस्सुम ने कुछ कुसर कुसर किए, फिर दिलीप साहब बड़े आगे माइक की तरफ बढ़े वो, और उन्होंने कहा नसीम बानो की बेटी सायरा बानो. तो आज शाहनंद हॉल में जब ये फंक्शन हो रहा है, ये अल्लाह की करामत देखो आप कि अल्लाह ने मेरे हिस्से में मेरे पे इतनी मेहरबानी की कि जिस शख्स से मैं 12 बरस की उम्र से मोहब्बत करती थी उसी को मेरी झोली में डाल दिया. एंड नाउ यू नो माशाल्लाह वी आर मैरिड 50 इयर्स, हमारी गोल्डन जुबली हो गई है. तो आप दुआ करें कि अल्लाह करे जोर शबाब और ज्यादा. तो ये अजीब वाकया है कि एक रोज जो है वो कोई मेरा नाम तक नहीं जानता था, और आज मैं अगर जाती हूँ शर्मुखानंद हॉल तो मैं उसी स्टेज पे खड़ी रहूंगी और दिलीप साहब का नाम लूंगी और उनकी तरफ से जो है मैं सबको विश करूंगी, बातें करूंगी. देखो ये क्या मौजजा है खुदा का. अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड इज रियली वेरी काइंड. एंड आई होप ये फलिशा जो फंक्शन कर रहे हैं ये बहुत ही कामयाब हो, लोग खूब एंजॉय करें. काश कि मैं भी बैठ के और ये सब गाने सुन सकती जो दिलीप साहब के लिए गाए जाएंगे. और अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं मैंने सुना है इनमें, मैं बहुतों को तो नहीं सुना है लेकिन जो सुना है वो कमाल के हैं. स्पेशली जो मेरे फेवरेट हैं वो भी हैं जावेद अली. जावेद बहुत अच्छा गाते हैं एंड आई एम श्योर दूसरे जो सिंगर्स हैं वो भी बहुत अच्छा गाते होंगे. मैं देखती हूँ अगर एक चक्कर लगा सकी तो आधे घंटे का एक चक्कर लगाऊंगी जावेद अली और दूसरे सिंगर्स के गाने दिलीप साहब के सब सुनने के लिए. थैंक यू वेरी मच फलिशा एंड मुबारक, गॉड स्पीड.